स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे नगर की प्रमुख हलचलों पर। स्वच्छता के नाम पर आम जनता को निगम अधिकारी दे रहे धोखा। हफ्तों से नहीं हुई जाली तालाब की सफाई, सफाई नहीं होने से सैकड़ों मछलियां हुई मौत का शिकार। भ्रष्टाचार का सुशासन। आईजी के वार्षिक निरीक्षण की अल सुबह ही चोरों ने आईजी को दी अपनी आमाद। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए की नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला सत्र न्यायाधीश ने किया रवाना। 10,000 से अधिक प्रकरणों का होगा 36 खंडपीठ में होगा निराकरण। और सिख समाज द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में निकाली गई संध्या फेरी। फेरी का मार्ग में हुआ जगह जगह स्वागत। शहर के आस्था स्थल जाली तालाब पर हफ्तों से सफाई नहीं होने के कारण हजारों मछलियों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया। वहीं सैकड़ों मछलियां निगम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मर गई। निगम स्वच्छता के लाख दावे करे लेकिन निगम अधिकारियों के द्वारा किए गए दावों की उलट ही हकीकत बयां होती है। कई वार्डों में न तो नियमित कचरा संग्रहण वाहन जाते हैं और न ही वार्डों में तय सफाई कर्मचारी नियमित पहुंचते हैं। शहर विधायक अमृत सागर तालाब को स्वच्छ करके सौंदर्यीकरण करने की बात कर रहे हैं लेकिन शहर के आस्था स्थल काली का माता मंदिर परिसर स्थित जाली तालाब जो कि शहर के लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है वहां पर ही नियमित सफाई नहीं होती है। हालत यह है कि सफाई नहीं होने की दशा में तालाब में सैकड़ों मछलियां मर रही है जिससे शहर के लोगों की जहां आस्था को ठेस पहुंच रहा है वहीं निगम के स्वच्छता के दावों की भी पोल खुल रही है। छठ पूजन के दिन किए गए दीप दान एवं पूजन सामग्री सुबह तक जाली तालाब के किनारे ही पड़ी हुई थी। वहीं तालाब में जगह जगह कचरा फैला हुआ था जबकि कहने को यहां पर निगम के आधा दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी तैनात थे। बावजूद इसके हफ्तों तक उक्त जगह की सफाई नहीं होना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि आखिर में यहां पर तैनात सफाई कर्मचारी कहां पर और किस तरह की सफाई कर रहे हैं। साथ ही यहां पर जोन कार्यालय ठीक तालाब के आगे की ओर मौजूद है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम में बैठे अधिकारी कर्मचारी किस तरह से जनप्रतिनिधियों को मूर्ख बना रहे हैं एवं जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाने में लगे हुए हैं। साथ ही तालाब में सफाई नहीं होने के कारण मर रही मछलियों की वजह से लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। देखना यह होगा कि निगम में बैठे जनप्रतिनिधि उक्त खबर के प्रसारित होने के बाद कैसा संज्ञान लेते हैं और मूक प्राणियों को बचाने का किस तरह से प्रयास करते हैं या फिर ऐसे ही धर्म के नाम पर सत्ता में आकर आम जनता की भावना से खिलवाड़ करते रहेंगे। जिले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने सोमवार को आईजी संतोष कुमार सिंह रतलाम पहुंचे। आईजी के दौरे से पूर्व अमला थानों की साफ सफाई सहित रिकॉर्ड दुरुस्त करता नजर आया। आईजी सिंह ने सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंच परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद बलवा परेड में कर्मचारियों की मुस्तैदी को परखा। उज्जैन रेंज आईजी सिंह सुबह करीब 9:30 बजे अमले के साथ सड़क मार्ग से सीधे पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर एसपी अभिषेक तिवारी ने उनकी अगवानी की। पुलिस विभाग अनुसार आईजी संतोष कुमार सिंह जिले के दौरे के दौरान किसी भी थाने पर आकस्मिक रूप से पहुंच जमीनी स्तर पर कार्रवाई को जांचेंगे। Score!
सामने का सलूट, स्टार्ट सलूट। एक और जहां पुलिस महकमा आईजी की अगवानी में व्यस्त था, वहीं अल सुबह चोरों ने दस्तक देते हुए आईजी को अपनी आमद दर्ज करवा दी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिए। एक और जहां पुलिस महकमा आईजी की अगवानी में व्यस्त था, वहीं अल सुबह चोरों ने दस्तक देते हुए आईजी को अपनी आमद दर्ज करवा दी। चोरों ने स्टेशन रोड स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर के साथ एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस को निशाना बनाया, जहां से चोर 5 से 6 लाख नकदी ले उड़े। जानकारी अनुसार स्टेशन रोड क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर पर चोरों ने धावा बोलते हुए ताले चटका दिए एवं समीप ही निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस को भी चोरों ने निशाना बना दिया। कोचिंग सेंटर से चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से लाखों की नकदी चोर ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। वहीं चोर फ्रीगंज के पीछे वाली गली से पहुंचे और चोरी कर वापस उसी रास्ते से फरार हो गए। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें लोग को टूटे हैं, लेकिन अपने यहाँ से कोई भी किसी प्रकार की केश वेश का कोई चोरी नहीं हुई है। लोग को टूटे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ सर, चोरी वगैरह कहाँ कुछ हुआ है आपको कोई जानकारी है ऐसे? यह पास में ही आपका शिवानी फाइनेंस, शायद यहाँ पर कुछ केश का हुआ ऐसा बता रहे हैं, बाकी कंफर्म तो वही बता पाएंगे कितना क्या था उनके यहाँ। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले की विभिन्न अदालतों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ना कोई जीता ना कोई हारा स्लोगन के साथ इस वर्ष भी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले के विभिन्न अदालतों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1000 से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार के लिए जिला न्यायालय परिसर से जिला न्यायाधीश श्री अरुण श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन की शुरुआत की। रतलाम में संपर्क करें, नेशनल लोक अदालत का एक ही नारा, न कोई जीता न कोई हारा, न्याय पाए हर इंसान बड़ी अनोखी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्यायमूर्तियों के अलावा न्यायालय में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया। 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे जिले में 36 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें 10,923 के प्रकरण और 5,522 न्यायालयों में लंबित प्रकरण रखे गए हैं। नगर निगम द्वारा भी जलकर एवं अन्य सभी चार्जेस में काफ़ी छूट प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा भी ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। बैंक भी नियमानुसार जो शासन से छूट दी जाती है दे रहे हैं। बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम प्रकरण एवं राजीनामा योग अन्य प्रकरण भी ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने का इसे प्रयास किया जाएगा। मैं रतलाम जिले के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे लोग अधिक से अधिक शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ इस लोक अदालत में उठाएं। चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब खरीद लीजिए चेहरे का डॉक्टर डेली डे एंड नाइट स्टेराइड रहित क्रीम। ग्लो 2X बेदाग चमकता चेहरा, सामान्य क्रीम से दोगुना बेहतर। कलर टोन लाइटिंग एंड ग्लो, दाग झुर्रियां झाइयां हटाएं,
सभी प्रमुख मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध है। टेम्परेरी नहीं परमानेंट ग्लो, 2 सप्ताह चले स्वयं फर्क महसूस करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827242002। दिवाली आने वाली है तो इस बार क्या लेगा? मैंने एक बड़ा सा डब्बा लूंगा, उसमें ना बहुत सारी वो आती है चॉकलेट्स। कौन कौन सी? एक गोल वाली आती है और 3 वाली आती है और ना पीसेस वाली भी आती है। मैंने भी एक डब्बा देखा था बड़ा वाला, उसमें भी बहुत सारी थी, छोटी वाली, बड़ी वाली और। पर होती तो चॉकलेट ही है ना। अरे अंकल, चॉकलेट मीठा ही होता है। चॉकलेट के अलावा मीठे में क्या होता है? पेड़ा बर्फी। मीठे में क्या क्या होता है? बर्फी, रबड़ी, रेवड़ी, फेणी, जलेबी, इमरती, मालपुआ, रसमलाई, नान खटाई, मावा, बर्फी, बालूशाही, पूरन पोली, काजू कतली, गोल पपड़ी, मगज पाक, खजूर पाक, घेवर, बूंदी, कलाकंद, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मोहन भोग, मोहन थाल, सोन पपड़ी, खीर, आम रस, मीठी लस्सी, दूध के शरबत, चूरमा, शक्करपारा, मक्खन बड़ा, आगरे का पेठा, बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू, तिलगुड़ लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, नारियल के लड्डू जैसे 50 तरह के लड्डू, 40 तरह के पेड़े, 20 तरह के हलवे, 10 तरह के श्रीखंड और लाइया होने के बाद भी क्या तुमको चॉकलेट ही चाहिए? इन्हें चाहिए श्री शिवाय की मिठाइयाँ। श्री शिवाय स्वीट्स एंड ब्रेकर्स, 22 विनोबा नगर, माताजी मंदिर के सामने, रतलाम। हैप्पी दिवाली। मिलन कलेक्शन एन एक्स, मनभावन बेहतरीन क्वालिटी फैंसी साड़ियों की संपूर्ण रेंज, ब्राइडल लहंगे, ब्राइडल साड़ियाँ, बुटीक साड़ियाँ, जयपुरी साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ एवं संपूर्ण वैरायटी एक ही छत के नीचे। तो आज ही पधारे, नया दौर, नया फैशन। मिलन कलेक्शन एन एक्स, राम मोहल्ला हाथी वाला मंदिर के सामने, कालू मामा कचोरी वाले के पास। संपर्क 9770383251 एवं 7000849449। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में न्यू रोड स्थित गुरु सिंध सभा से भव्य संध्या फेरी का आयोजन किया गया। गुरु नानक जी के जन्म दिन पर विश्व भर में गुरु पर्व मनाया जाता है। इस साल 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाएगी। गुरु पर्व को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन बजते हैं और गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में न्यू रोड स्थित गुरु सिंध सभा से भव्य संध्या फेरी का आयोजन किया गया। संध्या फेरी में सबसे पहले घुड़सवार धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे, समाज जन भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। संध्या फेरी का मार्ग में जगह जगह स्वागत भी किया गया। अमृत सागर स्थित श्री राम बाग स्थित हनुमान जी के मंदिर पर भव्य अन्नकूट का आयोजन हुआ।
गोवर्धन पूजा के साथ ही शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव हर दिन के साथ जारी है। शहर के अनेक देवालय में अन्नकूट महोत्सव हो चुके हैं, वहीं कुछ मंदिरों में अब भी अन्नकूट महोत्सव हो रहे हैं। इसी क्रम में अमृत सागर तालाब स्थित रामबाग में हनुमान मंदिर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किसी कड़ी में माई जी के मठ में भी अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। मंदिर के 31वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। TIT रोड स्थित नाकोड़ा भैरव नाथ मंदिर के 31वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। पार्श्व भैरव आयोजक समिति एवं पार्श्वनाथ मित्र मंडल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित भक्ति संध्या में मुंबई से बुलाई गई राजेश शाह करण शाह म्यूजिकल पार्टी ने एक से बढ़कर एक जैन भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित धर्मालुओं को भक्ति भाव से सरोबार कर दिया। भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छता के नाम पर आम जनता को निगम अधिकारी दे रहे धोखा। हफ्तों से नहीं हुई जाली तालाब की सफाई, सफाई नहीं होने से सैकड़ों मछलियां हुई मौत का शिकार। भ्रष्टाचार का सुशासन। आईजी के वार्षिक निरीक्षण की अल सुबह ही चोरों ने आईजी को दी अपनी आमाद। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए की नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना CCTV में हुई कैद। नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला सत्र न्यायाधीश ने किया रवाना। 10,000 से अधिक प्रकरणों का होगा 36 खंडपीठ में होगा निराकरण। और सिख समाज द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई संध्या फेरी का मार्ग में हुआ जगह जगह स्वागत।